पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। सानिया मिर्जा को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बीच सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक से तलाक लेने के बाद से ही सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह लगातार अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नई नई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। सानिया मिर्जा की तरह शीतल गौतम भी भारत के लिए टेनिस खेल चुकी है। शीतल गौतम ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से शादी की थी। शीतल गौतम और सानिया मिर्जा की तस्वीर सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। सानिया मिर्जा ने जिन तस्वीरों को शेयर किया है उनमें एक तस्वीर शीतल गौतम की भी है। शीतल गौतम इस तस्वीर में अपने पति रॉबिन के साथ दिखाई दे रही है। सानिया मिर्जा की तरह शीतल गौतम भी भारत के लिए टेनिस खेल चुकी है। शीतल ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन से शादी की थी। शीतल और सानिया मिर्जा की तस्वीर सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। सानिया मिर्जा ने जिन तस्वीरों को शेयर किया है उनमें एक तस्वीर शीतल गौतम की भी है। शीतल गौतम इस तस्वीर में अपने पति रॉबिन के साथ दिखाई दे रही हैं। भारत की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के लिए पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे। सानिया ने पिछले साल फरवरी में टेनिस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की वजह बताई है। सानिया का कहना है कि टेनिस से संन्यास लेने की वजह उनका बेटा इज़हान था, जिसके साथ वह ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। सानिया ने कहा, टूर्नामेंट में हार खिलाड़ियों के शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, और जब वह खेलती थी तब खिलाड़ियों के कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं होती थी। सानिया मिर्जा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, मेरे रिटायरमेंट की एक वजह मेरे बेटे के साथ समय बिताना था, जो मैं अब करती हूँ और मुझे ऐसा करना पसंद है। मैं अभी भी काम करती हूँ। मेरी हैदराबाद में टेनिस एकेडमी है, दुबई में भी कुछ है। मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर खुद को ज्यादा व्यस्त नहीं रखती, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। सानिया ने एक इवेंट में कहा कि जब भी उन्हें किसी टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा तो उन्हें अपने परिवार और टीम से समर्थन मिला। उन्होंने अपने खेल के दिनों को याद करते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में हम आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हमने हाल ही में इस पर चर्चा शुरू की है। दैनिक आधार पर टूर्नामेंट में हार से निपटना काफी मुश्किल था। सानिया ने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स्ड डबल खिताब जीता था, जबकि 2012 में फ्रेंच ओपन, वहीं 2014 में US ओपन और 2015 में विंबलडन में महिला युगल, 2015 में US ओपन में युगल और 2016 में ऑस्ट्रेलियन युगल में खिताब अपने नाम किया था। सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ निकाह किया था। लगभग 14 साल बाद सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का यह रिश्ता अब टूट चुका है। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ साल 2024 की शुरुआत में ही निकाह कर लिया था। मलिक की शादी के बाद से ही लगातार सानिया मिर्जा सुर्खियों में है।